और आज वो सुबह का दिन जो है आया है, ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए कई लोगों ने तन मन धन से जो है मेहनत की है। क्रॉक स्टूडियो के ओनर हरेश जी, राजेश जी, मुकेश जी, पीयूष जी, लवानिया जी, जयेश जी और सब जो हैं मेरे दोस्त लोग, तुषार भाई, सबसे ज्यादा जो मेहनत की है तो वो पीयूष जी ने की है। जो भी हमारे पास मैसेजेस आते थे, मेरा ये सॉन्ग, मेरा ये सॉन्ग, रोज का रोज अपडेट करने का काम पीयूष जी ने किया है और तत्काल किया है। ये भी नहीं कि भाई आज का काम कल पे छोड़ दूं। दिवेश भाई आज हमारे फोटोग्राफर रहेंगे, वीडियोग्राफर रहेंगे, हमेशा की तरह इनका काम कैसा रहता है उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 58 डिफरेंट पेयर्स जो हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोई भी पेयर ऐसा नहीं है कि जिसको दो गाने दिए गए हों। अलग अलग दो गाने दिए गए हैं लेकिन सेम पेयर को दो गाने नहीं दिए गए। मेरी सभी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स को मेरी शुभकामना है और मुझे मालूम है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है। और मीनू जी ने जो पूरा बाइफर्केशन दिया है, खाली गाने के ऊपर नहीं दिया है, भाई गाने जिसका अच्छा होगा देंगे, गाने का सिलेक्शन, सुर, ताल, ड्रेस, गायकी, सभी चीजें जो हैं, माइक कैसे पकड़ना है उसके लिए भी 5 मार्क्स रखे गए हैं। तो ये जो जजमेंट है खाली गाने के ऊपर नहीं होने वाला है। बहुत ही श्रूट जो वर्ड मैं यूज करूं तो जज जो है मीनू जी इस प्रोग्राम के लिए हैं और मैं इनका बहुत थैंक्स करता हूं। इनकी तबीयत पिछले साल इतनी खराब हो गई थी कि बस भगवान ने इनको हमारे लिए ही मतलब रखा है। ये मतलब डेथ के जो बोलते हैं ना, मौत के मुंह से वापस आई है। तो हरीश जी ने मेरे को बोला, मेरे को बहुत चिंता है 6-7 घंटे मीनू जी। मैंने बोला बहन जी जो है वो करेंगी जैसे भी। और मीनू जी के साथ में कुछ हिडन जजेस भी हैं जिनके नाम हमने डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो आप सब जो भी है जजेस का फैसला आएगा उसको आपने मानना है और हार जीत की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 58 हैं तो उसमें से 6 जनों को इनाम मिलना है, बाकी किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने इस प्रोग्राम में पूरा मजा लेना है और एक बार फिर से आपको शुभकामना है। अब मैं हरीश जी को बोलूंगा कि आपको वेलकम करें और फिर मीनू जी कुछ बोलेंगे, उसके बाद में हम प्रोग्राम जो है आरंभ करेंगे। हरीश जी, थैंक यू भाटिया जी, आप सबको शुक्रिया कि आप हमारा ये एक प्रयास को सफल बनाने में आप भी हमारे सहयोगी हैं। हम इच्छा लाते हैं, इच्छा आपके सामने पेश करते हैं और आप उसे एक्सेप्ट करके दिल और जान से ऐसे मौसम में तैयारी करके भी आप हमारे समक्ष आते हैं, तो उसके लिए आप सबके लिए एक ताजिया हो जानी चाहिए। आज की जज, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, सारे सिंगर्स को मैं अलर्ट कर दूं, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं, ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। जो होगा वो ही बोलेगी, स्पष्ट बोलते हैं, गाना भी बहुत स्पष्ट देखते हैं, आप कैसे गाते हो, कहाँ आपका सुर छूटता है, किस तरह से गाते हो, कराओके में अगर आप सिंगिंग करते हो तो एंड में ENDING आता है तो आप वो बोलते हो कि नहीं बोलते हो, जो क्या कहने का मतलब है, आप पढ़ के गाते हो या ऐसे ही गाते हो। मेरा कहने का मतलब वो था कि गाना नॉर्मली हमेशा आपको याद होना चाहिए और आप इमोशंस के साथ डिलीवर करें तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो आप सबको यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं आप सब एंजॉय करिएगा,
आप सब यहाँ पे जितने बैठे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और हम सबका आज, हम सबका मतलब आपका और हमारा ये शो सक्सेस होने के लिए, आज हमारे GDPL के राजू राय सिंघानी जी, जो GDPL के एक डायरेक्टर है, उन्होंने आज हमारा शो स्पॉन्सर किया है। वो भी आज हमारे सामने आएंगे, हमारे साथ उपस्थित होंगे। खैर, आज GDPL के लिए एक बात कह दूं, क्योंकि मैं भी GDPL से जुड़ा हुआ हूं और हमारे अशोक भाई जो है वो भी जुड़े हुए हैं। आज हमारा ऑफिशियली 18 साल ऑन एयर हमारा पूरा होता है, तो हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर आज हम सेलिब्रेट इसके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ौदा में जो हालत हुई है, तो वो हालत को देखते हुए, क्योंकि हमारी टीम बड़ौदा में भी है, तो वो हालत देखते हुए हम आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे। एक बार ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो 18th एनिवर्सरी जो हमारी है वो हम एक हफ्ते या 10 दिन के बाद, जैसे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, तब सेलिब्रेट करेंगे। तो आज डबल खुशी का दिन है, मुझे तो अवार्ड मिल चुका है, अब आपको अवार्ड लेने की बारी है। आप कितनी मेहनत करते हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। अब आगे का राजेश जी, ये सिंगरों की बात नहीं है, ये तो आप दोनों की जोड़ी नंबर वन है। जी, रोल में बदलते हैं। देखो, जोड़ी नंबर वन पता नहीं इनको आइडिया कैसे आया, तो मैंने किस तरह से लिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम चड्डी से एक साथ हैं। ये मेरे से एक साल सीनियर है, बस जेवियर्स में हम साथ में थे, कॉलेज में हम साथ में थे, ठीक है, और आज फिर से हम एक साथ हुए हैं। बस ये जोड़ी हमारी बनी रहे, इस तरह से आपने जो जोड़ी बनाई है, हम चाहते हैं कि आपकी भी जोड़ी सिंगिंग में बनी रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू नीरज जी। अभी बोलने में बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है, स्वभाव से भी बहुत अच्छी है, पॉइंट्स देने में बहुत कड़क है। सभी को नमस्कार, मेरे नाम का ना हवा बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दिल से गाइएगा, यहाँ से गाइएगा, यहाँ से जब आवाज आपकी निकलेगी ना तो हमारे कानों तक जरूर पहुंच जाएगी, तो बस ये कनेक्शन बन जाए मतलब गाना पूरा हो जाता है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। आशु जी आइए।